चल चित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। ये देखो कि दो डब्बा पड़ा, ये यहाँ कमरा थे, दो कमरे थे, यहाँ दोनों फोड़ दिए, सामान भी काटने की हिम्मत नहीं आने दी मारी। मैं बीमार हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए डरूंगा, अपना सामान के लिए डरूंगा। जवान लड़की है, ये डांटा गया कि डरवा दूंगा। सर जवान बच्चा है, एक इतना बच्चा है, बेटा जवान बच्चा है। सब दिख रहा, क्या हट रहा है? कुछ हट रहा है? कुछ नहीं हट रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ठेली से अलग, कुछ नहीं ठेली के अलावा तो क्या हट रहा है? कुछ नहीं हट रहा, ठेली से अलग। कहाँ तक लगती थी ये सब? पूरा चोपले पे जितने ये चोपला है ना, सब चोपले पे ठेली लगी। इधर का भी एरिया है, ठेली यहाँ भी लगी, हमारी ठेली कहाँ लगी? यहाँ ठेली लगती है, इनकी ठेली पे यहाँ लगती है, हाँ हमारी ठेली लगती है। अटाके कहाँ पे लगवाई? सराय में लगवाई थी। सराय कहाँ पर रह रहे? चलो जाओ, वो दिखाओ। आओ सराय, आए ये सराय है, ये सराय है, ये सराय है जी। हमारी ठेली वहाँ से हटा के यहाँ बेच दी थी, और हमने 15-20 दिन ठेली लगाई, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा माल सड़ा, हमने माल यहाँ पे पिल्ला मारा, यहाँ पे सारा सड़ा सामान यहाँ फेंकते थे। जब हमारा काम जब फिर घर बैठे कर लिया, हम कुछ नहीं कर रहे। पूरी घटना यह है कि यहाँ 27-31 घर थे पहले तो वे उजाड़े, उसके बाद में ठेली वाले बर्बाद कर दिए, वहाँ से ला के यहाँ बाँट दिया। अब चलो जी, इनको कैसे लाए ठेली वाले? इनको लाए गए भाई वहाँ, चलो कहाँ पर? सराय पे। वहाँ तुम्हारा काम चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा एक महीना बाद चले आना। या तो लोकल घाक है, ये शहर का घाक था लोकल, ये अपना थोड़ा बहुत चल रहा था, और नहीं वैसा घाक तो आता ही नहीं। और जो घाक से जो बाहर का घाक है उससे गुंडारी होती है। क्यों बैठे आप हड़ताल पर? हम हड़ताल में ही बैठे हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा है यहाँ, और जी हमारे फल भी सड़ गए हैं और सब्जियाँ भी सड़ गई हैं, इसलिए हमारा काम नहीं चल रहा है यहाँ। क्या करते हैं आप वैसे? फल बेचते हैं। मैंने 8 दिन यहाँ रेडी लगाई है, और 8 दिन में मैं जो है तकरीबन 3500 रुपये का मंडी का कर्जदार हो गया हूँ। 2000 रुपये का सामान लेकर आया मंडी से, और मुझे शाम तक जो है 1500 रुपये 1000 रुपये की जो है दुकानदारी मिली। सामान कहाँ जाएगा? कुछ अगले दिन सड़ गया, वो फेंकना पड़ा। घर में तो खाने को रोज़ चाहिए, बच्चों को, बच्चों को क्या मालूम कहाँ से किस तरह लाएगा माँ बाप। भूखमरी आ गई सर, बच्चे भूखे मर रहे, फीस नहीं है, डॉक्टर के ले जाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की दवाइयों के पैसे नहीं है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है इसका। मैं अंडे की ठेली लगाता हूँ, 25 साल तक ठेली लगा रहा था, अब जो पुलिस चौकी के गेट के पास लगा रहा था मैं बाहर रोड पर ही, और फिर मुझे अंदर जिस टाइम सरकार आ गई कुछ दिन के बाद में फिर अंदर गली में यहाँ लगा दिया था सराय में ही। कहने लगे अब यहाँ नहीं लगेगा, अब सरकार भाजपा की आ गई, अब मंदिर रोड हो गया है। कुछ लाला जुड़ गए इसके साथ में, जो सरकार को देख के पलटा खा गए। केराना में 1000-1200 कम से कम रेडी वाले होंगे, उन सबको जबरदस्ती रेडी लगाने से रोक दिया गया। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो है उसके तहत थोड़ा सा बताइए कितना लीगल था ये करना और क्या इसमें लीगल लूपहोल्स हैं? पूरी तरीके से इलीगल है। कहीं भी भारत के संविधान में हर आदमी को अपने तरीके से व्यापार करने के, अपने जीविका चलाने का अधिकार है, और किसी भी एक्ट के द्वारा
पूरे शहर को नो वेटिंग जोन घोषित नहीं किया जा सकता। कैराना यो को नोटिस दिया था इस संबंध में कि किस तारीख को या किस डेट को आपने बोर्ड बुलाया, बोर्ड में कब इसमें इसे बोर्ड की कौन सी डेट में रखा, कितने सभासद इसके फेवर में थे, कितने अगेंस्ट में थे, उसमें हमने 3 दिन का समय दिया था, लेकिन जो अधिशासी अधिकारी है नगर पालिका के, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो ये वेंडिंग एक्ट, आप कह रहे हैं कि वेंडर्स एक्ट के तहत जो वेंडिंग कमेटी बनानी होती है, हाँ, वो बनी नहीं है? बनी नहीं है। अच्छा, ये जो पूरा रेडी पटरी वाले जो हटे गए हैं, व्हाई वाज इसकी इसकी क्या जरूरत महसूस हुई थी, क्यों हटाए गए हैं? एक वेंडिंग जोन का निर्माण किया गया, और वेंडिंग जोन का निर्माण करने के पश्चात उनके द्वारा सभी जो रेहड़ी पटरी वाले थे उनका सर्वे करवाया गया। सर्वे करवाने के बाद उनको संबंधित फोटो आईडी कार्ड जारी करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक सेपरेट वेंडिंग जोन में उनको शिफ्ट करवाया गया। एक वेंडिंग कमेटी कंपलसरीली होनी चाहिए जी, जिसमें 40% रिप्रेजेंटेशन हॉकर्स का भी होना चाहिए जी। तो वो कमेटी का गठन क्या नगर पालिका ने किया है या किसने किया है? ये जहाँ तक हमें जानकारी है, यह सारी प्रक्रिया सन 2015 में कंप्लीट हो चुकी है। तो यह जो भी प्रक्रिया होगी इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी नगर पालिका से प्राप्त कर सकते हैं। कानून ये कहता है कि ऐसे टाउन में ऐसी जगह एक टाउन वेंडर कमेटी बनेगी जहाँ पर इस तरह के मजदूर ठेली मजदूर होते हैं, जिसमें 40% लोग ये ठेली मजदूर होंगे। तो आपको किसी कमेटी की जानकारी नहीं? किसी नहीं, कोई जानकारी नहीं है, कोई सर्वे कराया कुछ नहीं दिया जी। हमें 20 दिन हो गए, मेरे बच्चे भी भुक्के बैठे हैं, मुझे पता है। मेरे पास एक मोबाइल था, 1000 रुपये का मैंने वो मोबाइल बेचा, और जब मैं अपने बच्चों के पेट पाल रहा हूँ आज आगे देखो मेरा घर के क्या हाल है मेरा। यहाँ पे कोई कमेटी की नहीं बनाई गई है, ना कोई जानकारी में नहीं है, कोई सर्वे किया गया ऐसी कोई सर्वे भी नहीं हुआ है। अभी वो नगर पालिका में लिखित रूप से होगी, वो नगर पालिका के अंदर ही होगी, लेकिन मार्केट के वहाँ पे नहीं आई है। जो गरीब रेडी वाले के मजदूर, उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कोई नगर पालिका से कोई नोटिस आया, कोई कुछ नहीं आया। यहाँ पर ठेली वालों को इनको कभी कोई सर्टिफिकेट भी दिया गया है, किसी तरह का पहचान पत्र? कोई नहीं मिला है अभी, काफ़ी कुछ साल पहले मिला था, चंद लोगों के पास में आया, वो भी अभी 1-2 लोगों के पास में आया, किसी इसके पास में आया दिखाना। तो कब बना था सही जी आपका ये कार्ड? 2014 में मिला था मुझे, तो मैं बाजार में आए थे, वहीं से देखे थे, फोटो लिया था उन्होंने एक, और जो देखे थे कह रहे नगर पालिका वाले देखे थे। तो आपको कोई जानकारी दी गई थी इस कार्ड के बारे में? नहीं, ये कोई जानकारी नहीं दी कि आपका ये लाइसेंस बन गया है, आप ये इतिहास से रखना चाहिए। कहीं सुनवाई हुई कुछ? हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, हम अपने हड़ताल पे हैं, हड़ताल जारी रखेंगे। इतना हमें 1 महीना हो जा या 10 दिन हो जा, हम हड़ताल पर रहेंगे, हड़ताल ही करेंगे। इसमें कहीं से कोई मदद हुई है तो कोई आपके साथ खड़ा हुआ हो आपकी मदद के लिए? अब विधायक जी इस टाइम पे खड़े हुए हैं। कौन विधायक जी? कौन? नाहिद हसन जी। तो क्या कहा है विधायक जी ने? क्या ये 16 तारीख का टाइम दे रखा है, 16 तारीख का जो धरना है इसमें देखो फाइनल कहते हैं कि हो जाएगा। एक बजे निकल रहा था प्लेंग मार्च। अच्छा, आप तो कह रहे थे कि आपका 16 तारीख में धरना होने वाला है। हमारा धरना ये नहीं हो सका कि हमें डीएम ने एसडीएम ने मंजूरी नहीं दी, परमिशन नहीं मिली। इस हमारे जो फोर्स बेतु की बुला ली उन्होंने अपना रो बट्टा बिठाने को, अकबर दबदबा हो जाएगा शहर में। हम तो ये समझते कि इतनी फोर्स वहाँ पर आते जहाँ दंगा होता है, हालांकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। इन लोगों ने, प्रशासन ने यहाँ पर आके इतना बह बिठा दिया लोगों के अंदर, शहर नगरवासियों के अंदर बहुत ज़्यादा। ये सर जनरल लाज बना दिया इन्होंने, ये बीजेपी वाले रहेंगे यहाँ और नहीं रहने का कोई हिंदुस्तान में। हक तो सबका है, सबका जीने का, कहें गरीब भुखे मर रहे।
ठीक है।